इससे पहले प्रोनाउन का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये जो आपका पार्ट है सेकंड है, इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इसके बाद मैं आपको 25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करूँगा, मतलब टोटल हम इसमें कवर करेंगे 60 क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रोनाउन आपका पार्ट है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ही हैज़ रेड द फ्यू बुक्स विच आई गेव हिम। अब देखें यहाँ पे क्या है, एरर हमारा क्या है विच, विच की जगह पे आना चाहिए क्या दैट। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या। जैसे एवरीथिंग हो, ठीक है, नथिंग हो, फ्यू हो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो, फ्यू हो या फिर आपका लिटल हो, मच हो, ठीक है, या द सेम हो, ठीक है, एनी हो या ऑल हो, ठीक है, या नो हो या नन हो, इन सब के बाद, ठीक है, इन सब के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपको जो प्रोनाउन यूज़ करना होता है वो दैट करना होता है, ना कि विच या फिर हूँ। ठीक है, एवरीथिंग, नथिंग, फ्यू, लिटल, मच, द सेम, एनी, ऑल, इन सब के बाद आपको जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, दैट, ना कि विच या हु। ठीक है, फर्स्ट आपका एरर था ये। सेकेंड आपका एरर क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स। ये कहना चाह रहा है क्या, ये जो प्रपोजल है ये कई सारे प्रपोजल्स में से एक सबसे ज़्यादा यूजफुल है दैट हैज़ एवर बीन मेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कई सारे प्रपोजल में से एक की बात कर रहा है, मतलब मेन चीज़ क्या है, कई सारे प्रपोजल्स की बात कर रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स, कई सारे प्रपोजल्स में से एक है जो दैट हैव बीन एवर मेड आएगा, ठीक है, ना कि यहाँ पे हैज़ आएगा, क्योंकि कई सारे प्रपोजल्स हैं और यहाँ पे प्रपोजल्स के लिए आपका जो बनेगा वो हैव आएगा, ठीक है, ना कि हैज़। ठीक है, क्लियर है। जो आपका नेक्स्ट एरर है इस पार्ट का, व्हाट इज इट, ये इट है विच विल लास्ट फॉर एवर। जैसे मैंने बताया इट भी हो तो, ठीक है, यहाँ पे अगर इट भी होता है तो इसके बाद जो हम मतलब कि प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका दैट, ना कि विच। तो यहाँ पे हमें विच को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, दैट से। एरर आपको सेकंड पार्ट में है। ठीक है, थर्ड आपका क्या एरर है, ही पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2010 विच प्रूव्ड दैट ही वॉज इंडस्ट्रियस। अब देखिए, जब आपका एंटीसीडेंट हो, एंटीसीडेंट का मतलब बताता हूँ होता क्या है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ जो पास्ट में हुई है, ठीक है, जैसे ही पास्ट द एग्जामिनेशन, मतलब उसने एग्जाम अपना पास 2010 में पास किया, जिसने प्रूव किया क्या कि वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियस है। तो इस केस में हमें विच लगाना होता है, ना कि हु या दैट। एंटीसीडेंट सेंटेंस में हमें हु या दैट का यूज़ करना होता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, और ये स्पेशली किस चीज़ के लिए, कोई सिचुएशन हो उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको विच की जगह पे, सॉरी, विच रहेगा, हु या दैट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप कह रहे क्या, इट इज द बेस्ट, ये लिखा आपका, इट इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन प्रेजेंट। अब बताया मैंने इट के साथ हमें कौन सी पोजिशन लगानी है, दैट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन विच को हम रिप्लेस करेंगे किससे, दैट से। ठीक है, एरर आपका कौन से पार्ट में, पार्ट बी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एरर है क्या हो, स्टूडेंट्स विच फेल द एग्जाम हैव टू टेक द कोर्स अगेन। अब देखिए क्या है, एक होता है आपका लीविंग और एक होता है क्या नॉन लीविंग। ठीक है, लीविंग के साथ हम यूज करते हैं क्या, दैट या हु, ठीक है, और नॉन लिविंग के साथ यूज़ करते हैं हम क्या, विच या दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको यूज़ करना है, स्टूडेंट्स लिविंग है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हु, ठीक है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको,
लिविंग बींग जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जाम आएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपका एरर है क्या, शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम, वॉट इन माई ओपिनियन वॉज वेरी सिली। अब देखिए क्या, शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम, उसने उसे कहा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा क्या कि वो उसके ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा मुखतापूर्ण था, ठीक है। तो वट की जगह पे यहाँ पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसे किससे, विच, इसका मतलब होता है क्या, जो, और वट का मतलब क्या होता है, वट का मतलब होता है आपका क्या। तो क्या की बात नहीं कर रहे, वो कहना चाह रहे क्या कि उसने उससे शादी करने का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जो कि मेरी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा सही था, तो यहाँ पे हमें विच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एरर है क्या, हुम एवर विल वायलेट दीज रूल्स शैल बी पनिश्ड, मतलब कहना ये चाह रहे क्या कि जिस किसी ने रूल्स को वायलेट किया उसे पनिश किया जाएगा। तो जिस किसी के लिए होता है आपका हु एवर ना कि हुम एवर, ठीक है। तो यहाँ पे हुम एवर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हु एवर से, ठीक है। नेक्स्ट आप कह रहे क्या हो, द डोर ऑफ दिस क्लास रूम आर लार्जर देन दैट ऑफ, यहाँ पे डोर्स हैं, द डोर द डोर ऑफ दिस क्लास रूम आर, ये डोर्स होगा ठीक है, ऑफ दिस क्लास रूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दोज आएगा, ठीक है, ना कि दैट। अगर एक होता यहाँ पे तो अगर सेंटेंस आपका ये होता द डोर ऑफ दिस क्लास रूम इज लार्जर देन दैट ऑफ, ठीक है, तो सही होता है ये। बट यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है, हमें ये कंपेयर करना है क्या कि इस क्लासरूम के दरवाजे उस क्लासरूम के दरवाजे से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बड़े हैं, तो यहाँ पे दो जाएगा। नेक्स्ट आपका एरर क्या हो, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं क्या कि जो बेल्जियम का क्लाइमेट है वो पुणे के क्लाइमेट के जैसा है, तो ये जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है, ठीक है, इस सेंटेंस में हमारा नो एरर है क्योंकि कहना क्या चाह रहा है, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, मतलब सेंस ये निकल रहा है क्या कि पुणे के क्लाइमेट के जैसा है। अगर यहाँ पे ये होता सिर्फ इज लाइक पुणे तो ये आपका गलत होता, क्यों, क्योंकि इस सेंस में मतलब क्या निकलेगा कि बेल्जियम का क्लाइमेट पुणे के जैसा है, जबकि हमें कंपेयर क्या करना है पुणे के क्लाइमेट और बेल्जियम के क्लाइमेट से, तो उसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर है दैट ऑफ पुणे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका एरर है क्या, एवरीबडी हैव ओन आइडियाज विच ही वॉन्ट टू चेंज, अब मैं बताता हूँ एवरीबडी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, हैज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉन्ट्स ना कि वॉन्ट, एवरीबडी हैज़ ओन आइडियाज विच ही वॉन्ट्स टू चेंज, ठीक है, एवरीबडी, नोबडी, ईच, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ मैंने आपको बता रखा हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना कि प्लूरल। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है क्या हो, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, अब बताया मैंने वन ऑफ का, जैसे बताया था कई सारे वर्ड, इट, नन, एनी, ठीक है, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, इन सब के साथ जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम क्या, दैट, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था नथिंग, लिटल, फ्यू, मच, द सेम, एनी, इन सब के साथ आपका जो प्रोनाउन यूज होता है क्या होता है वो, दैट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, एवरीबडी शुड हेल्प वंस फ्रेंड्स, एवरीबडी शुड हेल्प, यहाँ पे वंस की जगह पे आएगा आपका क्या, हिज फ्रेंड्स। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पे ये यह होता वन should help one's parents तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, वन के साथ हम वंस यूज करते हैं और एवरीबडी के साथ या ही के साथ हिज, ठीक है। नेक्स्ट आपका एरर है क्या, वन मस्ट डू, अब देखिए यहाँ पे आ गया वन के साथ क्या करेंगे हम, वंस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था क्या हो, इसमें वन मस्ट डू वंस कंट्री टू, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा,
वंस आएगा, क्योंकि हम हिज यूज़ करते हैं किसके लिए, एवरीबॉडी के लिए या फिर ही के लिए। वन के लिए हमें यूज़ करना होता है क्या, वंस। जो लास्ट एरर है आपका इस पार्ट का वो क्या है, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरी थिंग विच ही हैड। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या हो? कि एवरी थिंग, नथिंग, इच, ऑल, सेम, ठीक है। इन सब के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, जो आपका प्रोनाउन होता है वो दैट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरी थिंग दैट ही हैड। ठीक है, ठीक है, आपका ये प्रोनाउन का एरर यहाँ पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा टेंस का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।